हेलो दोस्तों, आई ओपनर न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर। दोस्तों, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को तो आप जानते ही होंगे, जिसके चलते चाहे वो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो या फिर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन या कोई भी अन्य फिल्म हो, इन सभी पर इस ट्रेंड का एक गहरा असर देखने को मिला है और पर्दे पर ये सभी मूवीज नाकाम रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसे कहा जा रहा है कि ये 450 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनी है, इस बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बीच 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है और मेकर्स को और बॉलीवुड को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसी के चलते टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट से बॉलीवुड को एक राहत भरी सांस मिलती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस मूवी पर इस ट्रेंड का असर नहीं पड़ रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की इस मूवी ने एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी तक 27,000 से भी ज़्यादा टिकट्स बुक कर लिए हैं और ये कहा जा रहा है कि मूवी अपने पहले दिन में 18 से लेकर 22 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। और इस खबर की पड़ताल की हमने एक बुकिंग वेबसाइट पर जाकर, जहां पर हमने दिल्ली, मुंबई जैसे कई अन्य बड़े शहरों में इस फिल्म की बुकिंग चेक की और जो हमने देखा तो वो वाकई चौंकाने वाला था। मूवी पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, कम से कम एडवांस बुकिंग में तो ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है और लगभग सभी थिएटर्स आधे से ज़्यादा भर चुके हैं। और ये बॉलीवुड के लिए और इस मूवी के मेकर्स के लिए, जिन्होंने इसको इतनी बड़ी लागत से बनाया है, ये एक राहत भरी सांस देने वाली खबर है। दोस्तों, सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक ब्रह्मास्त्र पर जहां जमकर मेहनत की गई है, तो वहीं इसमें एक लंबे वक्त के साथ ही पानी की तरह पैसा भी बहाया गया है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। शिवा एक ट्रायोलॉजी फिल्म है, यानी इसको 3 भागों में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल इसका पहला भाग ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को तकरीबन 410 करोड़ की बड़ी लागत से बनाया गया है। यह फिल्म कई भाषाओं में 2D, 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होगी और जानकारी के मुताबिक अब तक इसकी लगभग 4 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग्स हो चुकी हैं। तो दोस्तों, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग की जा रही है, क्या रिलीज के बाद भी ये उसी तरह परफॉर्म कर पाएगी या फिर ये भी लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन या फिर दोबारा जैसी मूवीज की तरह बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड की भेंट चढ़ जाएगी। दोस्तों, खबर पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।